गिरिडीह भाजपा पश्चिमी मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र वर्मा के नेतृत्व में पिंडाटाड़ में किसानों के समर्थन में खेत पर एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां कार्यक्रम का संचालन भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष संजीत सिंह पप्पू ने किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी नेता सुनील पासवान ने कहा कि यह राज्य की सरकार किसान विरोधी सरकार है। पिछले वर्ष धान की खरीद की गई थी, जिसका किसानों को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, जबकि किसान को अभी पैसे की सख्त दरकार है। खेती का समय आ गया है, किसान को बीज भी खरीदनी है, किसान को बीज और खाद्य भी खरीदनी है, लेकिन इस राज्य की कुंभकर्ण सरकार नींद में सोई हुई है। बताया गया कि इसके पहले भाजपा की सरकार थी तो किसानों के हित के लिए कृषि आशीर्वाद योजना के तहत एक एकड़ में 5,000 रुपए अनुदान राशि दिया जाता था, जिससे किसानों को बीज खरीदने, खाद खरीदने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती थी। जब से इस राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तो कृषि आशीर्वाद योजना को बंद करने के साथ साथ किसानों को मिलने वाली सुविधाएं भी बंद कर दी गई है। यहां तक कि जो किसान मेहनत करने के बाद खेतों में जो फसल उठ जाते थे, उस फसल का उचित मूल्य भी इनको नहीं मिला है। इसी के विरोध में यह कार्यक्रम किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा के वरिष्ठ नेता महेश राम, सुरेश मंडल, किसान राजेश वर्मा, महानंद महतो, अर्जुन वर्मा आदि लोग उपस्थित थे। आज हम लोग किसान के समर्थन में धरना देने का, एक दिवसीय धरना देने का कार्यक्रम, जो कि 8 बजे सुबह से लेकर के 11 बजे दिन तक का धरना का कार्यक्रम था। इसी के तहत गिरिडीह जिला में हमारे भी इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरंडी जी अपने गृह क्षेत्र और अपने विधानसभा क्षेत्र चंदौली में अभी वो कार्यक्रम कर रहे हैं, किसानों के समर्थन में धरना पे बैठे हुए हैं। उसी के निमित्त प्रदेश द्वारा आयोजित जिला कमेटी से घोषित निर्देशित के कार्यक्रम के तहत हम लोग आप लोगों के बीच में, आप लोगों के समर्थन में, किसानों के हित के समर्थन में हम लोग यहाँ आकर उपस्थित होने का काम किए हैं। जैसा कि पिछले साल ही आप लोगों जो ने अपने मेहनत के बल पर और जो आपने खेतों में जा करके जो उपज पैदा किया था, जिसको कि सरकार ने अपने माध्यम से, पैक्स के माध्यम से धान क्रय करने का काम किया, और अभी फिर धान बुआई का कार्यक्रम होने जा रहा है, उसके बाद कुछ दिन बाद रोपनी का कार्यक्रम चलेगा। इसके तहत किसान को अभी परेशानी हो रही है, और किसानों को कैसे उसके राशि मिले, हम लोगों ने बार बार संकेतिक धरना इस कोविड के कार्यकाल में भी अपने अपने घरों पर रह करके एक दिवसीय धरना देकर के सरकार को जगाने का काम किया था। जबकि उस समय जब धान क्रय करने का समय आया तो इस राज्य की निकम्मी सरकार और वैसे वित्त मंत्री कांग्रेस के रामेश्वर उरांव जी ने कहा कि किसानों का धान अभी गीला है, कच्चा है, हम अभी नहीं खरीद सकते हैं, धान को घाटा लग जाएगा सरकार को। तो जो सरकार किसान के हित में सोच नहीं सकती है, सोच किसानों के भलाई नहीं कर सकती है, वो सरकार अभी तक किसानों को भुगतान करने में, उसी तरह देखिए जब तक इसके पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, रघुवर दास के नेतृत्व में जब सरकार था, तो किसानों को सम्मान कृषि आशीर्वाद योजना के तहत प्रत्येक किसानों को 5,000 रुपया करके साल में 25,000 रुपया देने का काम करती थी किस्त वाइज में। जबकि अभी भी केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों को सम्मान के लिए कृषि सम्मान के तहत उसको खाते में अभी 2,000 रुपया करके अभी कुछ ही दिनों पहले आप लोगों के खाते में आया होगा, और फिर भी अभी कृषि का समय आया, खेती का समय आया, तो उन्होंने खाद बीज करने के लिए उस पर सब्सिडी दे करके 1,200 रुपये सब्सिडी देने करके, ताकि आपको खाद बीज का उर्वरक जमा करने के लिए, खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए पैसा नहीं लगे, उसके लिए उन्होंने सब्सिडी दिया है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि गाँव को, किसानों को किस तरह से मजबूत।